करीना कपूर खान यश की फिल्म टॉक्सिक में काम करने वाली थी। पहले खबर आई कि वो लव इंटरेस्ट बनेंगी, लेकिन फिर बताया गया कि गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनने वाली इस फिल्म में वो यश की बहन का रोल करेंगी। करीना फिल्म पर काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी, लेकिन इसी बीच एक खबर आई कि डेट्स की वजह से उन्हें टॉक्सिक छोड़नी पड़ी। उसके बाद मेकर्स ने उनकी जगह नई एक्ट्रेस की तलाश शुरू कर दी। उन्हें ऐसा नाम चाहिए था जिसकी प्रेजेंस पैन इंडिया लेवल पर हो। ऐसा कहा जा रहा है कि उनकी तलाश जवान की एक्ट्रेस नयनतारा पर जाकर पूरी हो गई है। नयनतारा तमिल सिनेमा की सुपरस्टार हैं। टॉक्सिक के मेकर्स को ऐसी ही एक मजबूत इमेज वाली एक्ट्रेस की जरूरत थी। पिंक विला में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक बीते कुछ हफ्तों में गीतू मोहनदास, यश और नयनतारा की कई बार मुलाकात हुई। बताया जा रहा है कि चीजें सही दिशा में आगे बढ़ रही हैं। आगे बताया गया कि नयनतारा ने टॉक्सिक में काम करने की इच्छा जताई है और अभी बाकी सारी चीजों पर काम किया जा रहा है। फिल्म में जो बहन का किरदार है उस पर काफी काम किया गया है। वो नयनतारा की मजबूत इमेज को सूट भी करता है। नयनतारा इस बात से खुश हैं कि गीतू मोहनदास ने एक मजबूत महिला का किरदार लिखा है, साथ ही वो पूरी तरह से अपने विजन से जुड़ी हुई भी हैं। नयनतारा से बातचीत चल रही है, एक बार डेट्स वगैरह क्लियर हो जाए उसके बाद नयनतारा फिल्म साइन कर लेंगी। अगले 15 दिनों में साफ हो जाएगा कि वो टॉक्सिक में यश की बहन बनेंगी या फिर नहीं। जूम की एक पिछली रिपोर्ट ने बताया था कि टॉक्सिक की कहानी एक भाई और बहन पर केंद्रित होगी। उस हिसाब से बहन वाले किरदार का अच्छा खासा रोल होगा। करीना इस फिल्म को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित थी, लेकिन डेट्स की वजह से बात नहीं बन पाई। बाकी करीना के अलावा कियारा आडवाणी का नाम भी फिल्म से जुड़ा था। बताया जा रहा है कि वो यश की लव इंटरेस्ट बनेगी। इस रोल से तृप्ति डिमरी का नाम भी जुड़ा गया था। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक तृप्ति ने अपनी डेट्स भूल भुलैया 3 को दे दी थी, इसीलिए उन्हें टॉक्सिक छोड़नी पड़ी। अभी तक के लिए यश और कियारा आडवाणी के नाम फाइनल हुए हैं। आने वाले कुछ दिनों में पुख्ता हो जाएगा कि नयनतारा ये फिल्म करेंगी या फिर नहीं। बाकी आपको बता दें कि टॉक्सिक 10 अप्रैल 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। आपके लिए सारी जानकारी जुटाई थी मेरे साथ ही अमन ने। मेरा नाम है विभावी दीक्षित। एंटरटेनमेंट की बाकी खबरों के लिए बने रहिए ललन टॉप सिनेमा के साथ। शुक्रिया। शुरू हो गया है यूट्यूब पर ललन टॉप का नया मेंबरशिप प्रोग्राम LT प्रीमियम। क्या होगा इसमें? LT प्रीमियम मेंबर्स किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देख सकते हैं गेस्ट इन द न्यूज रूम और किताब वाला जैसे कई शोज। ललन टॉप के हम सब एंकर्स हर हफ्ते आपसे करेंगे लाइव चैट, देंगे आपके सवालों के जवाब। ललन टॉप के न्यूज रूम में क्या होता है? अर्ली एक्सेस ब्लॉग में दिखेगी न्यूज रूम की रोचक जानकारी और उठापटक। ये मेंबरशिप लेने के बाद सिने सन्यासी समेत कई नए नवेले पॉडकास्ट भी आप सबसे पहले सुन पाएंगे। जो हमारे नए शोज प्रस्तावित हैं उस पर भी आपकी राय ली जाएगी, खास तौर पर क्योंकि आप हैं हमारे प्रीमियम व्यूअर। इसके अलावा मजेदार स्टिकर्स के साथ चैट कमेंट करके आप नजर आएंगे सबसे अलग। इन स्टिकर्स का इस्तेमाल आप YouTube के चैट और कमेंट सेक्शन में कर पाएंगे। इस मजे के लिए क्या करना होगा, इस जुड़ाव के लिए क्या करना होगा? जाना होगा ललन टॉप के YouTube चैनल पर और ज्वाइन बटन को प्रेस करना होगा। फिर सिर्फ 59 रुपए महीने में मिलेगा ललन टॉप आनंद। एप्पल यूजर नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर LT प्रीमियम सब्सक्राइब करें।